वीडियो है नाइल शैम्पू का रिव्यू एंड स्पेशली नाइल डैमेज रिपेयर शैम्पू का रिव्यू कर रही हूँ। ऑफकोर्स नाइल में काफ़ी सारे फ्लेवर्स हैं शैम्पू में, बट यही शैम्पू है जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं डिलीवरी रिव्यू को। मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगी वीडियो, जो इम्पोर्टेंट बातें है बताऊँ। ओके, सो दिस इज़ हाउ द बॉटल लुक्स। एंड सॉरी, ये मैंने काफ़ी सारा यूज़ कर लिया ऑलरेडी एंड आधा हो चुका है, आधे से भी कम हो चुका है। तो इस तरह से आती है ऑरेंज कलर की बॉटल। ओके, इवन कड़क भी ऑरेंज है एंड बॉटल भी ऑरेंज है। तो पहले हम ये प्रोडक्ट पैकेजिंग के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये इसका कैप बता दूँ। काफ़ी टाइट है, फ्लिप फ्लॉप कैप है एंड ऑफकोर्स इतना टाइट होने के कारण तो कोई भी प्रोडक्ट इसमें से लीक नहीं हो सकता कुछ भी। ठीक है, सेम बहुत आप इसको कहीं लेकर ट्राई कर सकते हो। ये बॉटल भी काफ़ी क्यूट सी है, छोटी सी है, बहुत प्यारा सा डिज़ाइन है इसका। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी जब मैंने ये इसमें बड़ी वाली भी आती है और ये मैंने छोटी वाली भी। बात करते हैं इसके प्राइसिंग की, तो ये है 47 रुपीज़ की छोटी वाली। ठीक है, 47 की इसमें आती है 90 ml। हाँ, ये 90 ml। तो इसमें बड़ी वाली भी आती है, वो आई थिंक 174 ऐसा कुछ है, 400 ml की आती है। आप इसे फ्लिपकार्ट या नेटमेट्स पे ऐसे भी ऑनलाइन खरीद सकते हैं, लेकिन ये मैंने लोकल केमिस्ट स्टोर से खरीदी है। ट्राई करना है सिर्फ, तो वो छोटी बॉटल कर ले सकता है। आई डोंट नो पाउच आता है कि नहीं, अगर पाउच आता होगा तो आप पाउच ट्राई करके देखो। लेकिन अगर आपको सिर्फ मतलब वो पाउच भी नहीं अवेलेबल है तो आप पहले छोटी वाली खरीद लो, उसके बाद बड़ी वाली खरीद लो। हो चुका है, अब हम बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की। मैं सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं बताऊँगी, इसमें काफ़ी सारे हैं, जो मैं मेन वाले जो है वो बताती हूँ और बाकी के जो मैं वो डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे नेचुरली इन्ग्रीडियंट्स हैं बिकॉज ये नेचुरल शैम्पू है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे नेचुरल शैम्पू में सारे के सारे इन्ग्रीडियंट्स नेचुरल। ऑफकोर्स कुछ केमिकल्स भी वो लोग यूज़ करते हैं वो शैम्पू ज़्यादा दिन तक अच्छा रखने के लिए। ठीक है, तो मैं इसमें जो मेन है वो बता दूँ, और वो मेन है हिबिस्कस, पपाया, शिकाकाई एंड आमला। तो जो शिकाकाई होता है वो अगर किसी आपको पता नहीं है तो वो होता है कूलिंग एजेंट है, तो इस स्कैल्प को कूल करता है। अगर कहना है हिबिस्कस, तो हिबिस्कस हेयर को नरिश करता है, तो बहुत सॉफ्ट बनाता है और बाल को बहुत इजीली मैनेज कर पाता है उस वजह से। आंवला है इसमें, आंवला में जो फैटी एसिड्स होते हैं वो जब पेनिट्रेट होते हैं हमारे हेयर फॉलिकल्स में, वो हेयर को वो सॉफ्ट बनाते हैं, तो इसलिए आंवला यूज होता है शैम्पू में। एंड ऑफकोर्स पपाया, पपाया में विटामिन ए होता है जो हेयर के लिए काफ़ी अच्छा होता है, हेयर ग्रोथ में हेयर सॉफ्ट करते हैं, बहुत सारे यूजेस हैं पपाया के हेयर के लिए। तो ये इसके चार बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, और इस पर लिखा है कि इट इज़ विद नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स, लाइक जो भी मैंने बताया नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स, पैराबेन फ्री है एंड पीएच बैलेंस जो हमारे हेयर के लिए चाहिए होता है वो पीएच बैलेंस है इसमें। तो मैं आपको भी बताती हूँ प्रोडक्ट कैसा है। प्रोडक्ट ऑरेंज कलर का है, ऑफकोर्स फ्रेग्रेंस भी काफ़ी अच्छा है, और टेंशन मत लीजिए, फ्रेग्रेंस के साथ असर वगैरह नहीं दिखेगा, कुछ टाइम के लिए फ्रेग्रेंस रहता है लेकिन काफ़ी अच्छा है। ऑरेंज कलर का प्रोडक्ट है, बॉटल भी ऑरेंज कलर की है, मैं बता दी कंसिस्टेंसी। ठीक है, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। कैन यू सी दिस, आई होप कैमरा मैं इतना अच्छा नहीं है, सो सॉरी। देखो मतलब सब बह रहा है, लाइक मैं बोल रही थी लोशन वाली कंसिस्टेंसी है इसकी, काफ़ी रिफ्रेशिंग स्मेल है, मुझे तो काफ़ी पसंद है। अभी मैं बता रही हूँ मेरा रिव्यू क्या है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है शैम्पू के साथ। तो मैं ये शैम्पू काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ, अभी नहीं यूज़ कर रही, बहुत साल हो गए मेरे, मुझे लगता है कि बचपन से ही मैं यूज़ कर रही हूँ। मेरी मॉम तक मैं जब छोटी थी तब मेरी मॉम मेरे बालों में यही यूज़ करती थी, एंड मेरी मॉम भी पहले शादी से पहले से भी ये यूज़ करी, बिकॉज ये काफ़ी पुराना प्रोडक्ट है, आई थिंक 1983 समथिंग ऐसा, ये ऐसे कोई ईयर में ये एस्टेब्लिश हुआ है। काफ़ी पुराना प्रोडक्ट है, ट्रस्टेबल है, नेचुरल है, आप देख
accept it. अगर पूरे मेरे मेरे बाल काफ़ी लंबे हैं तो आपको स्टैमिना में अभी मैंने बता रही हूँ, मैं फ़ोटो लास्ट में बता दूँगी आपको कि मेरे बाल बेलने कैसे कैसे हैं, कितने लंबे हैं। तो मैं जब भी वॉश करती हूँ शैम्पू से मेरे बाल, तो फर्स्ट काफ़ी शाइनी रहते हैं, काफ़ी सिल्की हो जाते हैं मेरे बाल। एंड अभी तो मैंने लाइक दो दिन पहले वॉश किए थे, थोड़ा सा शाइन गया है लेकिन मुझे तो फिर भी काफ़ी है। अगर मैं बोलूँ तो ये झाग की बात है, तो ये काफ़ी झाग भी है, थोड़ा सा प्रोडक्ट भी आपने दिया है तो भी इससे काफ़ी झाग बन जाता है, जो कि पूरे बालों के लिए इनफ होगा। आई थिंक मेरे तो इतने लंबे बाल हैं तो मेरे को इतना सा भी इनफ होता है, तो मुझे आपके लिए ये बॉटल काफ़ी टाइम तक चलेगी। ये तो बात करते हैं अभी हेयर फॉल की, जो मेन प्रॉब्लम है सभी का, हेयर फॉल उठता है या नहीं। हाँ, काफ़ी हद तक उठता है, मैं ये बोलूँगी, लेकिन पूरी तरह से नहीं हो सकती, ये तो कोई भी शैम्पू से नहीं होगा। लेकिन बाकी जो शैम्पू के मतलब अगर आप बाकी शैम्पू से कंपेयर करते हैं तो मुझे लगता है कि इससे काफ़ी हेयर ग्रोथ हेयर फॉल रुकता है एंड हेयर ग्रोथ भी होती है, ये तो मैं पक्का बोल सकती हूँ। पूरी तरह तो नहीं होता बिकॉज ऑफकोर्स आपके डाइट पे और लाइक आपकी जो एस्टर है उस पर भी डिपेंड करता है, आपकी हेयर फॉल जो भी है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है शैम्पू के अलावा, सिर्फ शैम्पू यूज़ करने से ये नहीं रुकता, लेकिन आपको हेल्प मिलेगी। ओके, अगर आप बाकी सारी चीज़ें भी कर रहे हो, डाइट भी कर रहे हो और अगर आप ये शैम्पू भी यूज़ कर रहे हो तो आपकी काफ़ी हेल्प मिलेगी हेयर फॉल रुकने में। मैंने काफ़ी सारे शैम्पूज यूज़ किए, ये तो मेरा रेगुलर है, लेकिन मैं मुझे भी लगता है कभी कभी कि मैं कोई बहुत ही महंगा शैम्पू यूज़ करूँ, ये तो काफ़ी सस्ता है, मतलब ये काफ़ी सस्ता है बाकी शैम्पूज के लिए, मतलब अगर कंपेयर किया जाए तो ये सस्ता वाला शैम्पू। तो फिर मैंने महंगे वाले शैम्पूज़ भी यूज़ किए, लेकिन जब भी मैं वो शैम्पूज़ यूज़ करती हूँ तो मेरे वहाँ हेयर फॉल बहुत ही बढ़ जाता है, देन मुझे अगेन स्विच करना पड़ता है, मुझे इसी शैम्पू डालना पड़ता है वापस। तो वैसा ये शैम्पू बहुत अच्छा है, नेचुरल है, नेचुरल प्रोडक्ट्स नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स से बना हुआ है, तो आप ज़रूर एक बार यूज़ करके देखते हैं, आपको शाइनी सिल्की एंड आप हेल्दी हेयर अगर आपको चाहिए तो ये प्रोडक्ट मुझे लगता है काफ़ी अच्छा है। और बहुत सारे सारे सामने यूज़ किया है इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ, ये ट्रस्टेबल है। ओके, ऐसा एक शैम्पू चाहिए जो सच में हेयर फॉल नहीं करता, हेयर फॉल रोकता हो, तो आप ज़रूर ये नाइल शैम्पू ट्राई करना और ट्राई करके मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में आके कि आपको कैसा लगा ये शैम्पू, और ये भी बताना आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा, मैं किस तरह से मेरे वीडियोज़ और अच्छे कर सकती हूँ, ये भी आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। एंड जिसको भी ज़रूरत है इस वीडियो की ये जानने की, उसके साथ ये वीडियो शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब भी करना, प्लीज़ बोलना मुझे सब्सक्राइब करने के लिए एंड बेल आइकन प्रेस करना ताकि मेरी जो भी नई वीडियोज़ है आपको जल्दी कमेंट करना चले। ओके, तो बाय गाइस, टेक केयर, आई नो कोविड चल रहा है, आप सब लोग अपना केयर करना, अपनी फैमिली का केयर करना, ज़्यादा भार मत करना। ओके, बाय।